कैसे हो आप सभी लोग। विश करता हूँ आप सभी लोग सही हो। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग नंबर 3। तो आजकल थोड़ा बिजी है, स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर रात हो जाती है, फिर घूमने कहीं जा नहीं पाते। तो इसके वजह से आजकल थोड़ी डेली लाइफ आएगी, जैसे सैटरडे संडे तब तो घूमने जाएंगे, और अभी थोड़ा ऐसे आएंगे जैसे मैं आया डेली लाइफ टाइप। तो अभी मेरा स्कूल है, अब मेरे स्कूल खुल गए, कल भी स्कूल था तो स्कूल खुल के तो अब 8 बजने वाले हैं, वैन भी आने वाली है। तो मेरे जैसे स्कूल खुल के वैसे मैं बिजी हो गया। तो अभी देखो मैं तैयार भी नहीं हुआ, तो जैसे मैं तैयार होता हूँ तब मिलते हैं आपके। तैयार हो चुका हूँ, बहुत जल्दी हुआ तैयार। तो जैसे आपको पता है कि मैं तैयार हो चुका हूँ, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे है। ऐसी है पूरी ड्रेस ऐसी है। तो अब वैन वाले भैया आने वाले हैं, वैन वाले भैया अभी फ़ोन आ गया था कि जल्दी से नीचे आ जा। तो अब मेरे को बस शूज़ पहनने और मैं जल्दी से नीचे चलता हूँ। तो अब मैं सीधे, अभी बज रहे हैं 8, तो अब मैं सीधे आपको मिलूँगा 2 या 2:30। तब तक शायद मेहमान आ रहे हैं बहुत सारे आज, तो क्या पता तब तक कोई मेहमान भी आ जाए। तो अभी तो ऑफिस तक मिलते हैं आपको, और फिर उसके बाद आपको बताइए मेरा ट्यूशन है। आपको ट्यूशन दिखा, ट्यूशन के रास्ते लेके चलते हैं थोड़ी देर, फिर आके फिर आपको हाँ बैडमिंटन भी तो दिखाना है कि यहाँ पर बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो मेरी बहन आ चुकी है, मैं लेट हो रहा हूँ, तब तक करें। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं अभी स्कूल से आ चुका हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मैं इधर वॉक कर रहा हूँ, वरना मैं अंदर ही करता। तो अभी तो मैं, मेरी मम्मी बोल रही है कि खाना खाना आ जाए, आज तो पनीर के परांठे बने, तो अभी पनीर के परांठे खाएंगे। तो अभी मम्मी बुला रही है क्योंकि अभी ट्यूशन भी है, तो अभी मैं ट्यूशन से आऊँगा और फिर ट्यूशन के बाद जहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं वहाँ ले जाऊँगा, और क्या पता थोड़ा सा बैडमिंटन भी खेले, और तब फिर उसके बाद तब तक मेहमान भी चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपको आज व्लॉग दिखाएंगे कि कैसे यहाँ कौन कौन बैडमिंटन खेलता है, कौन कौन दोस्त है। तो चलो अभी मैं जल्दी से खाना खाता हूँ, तो आपको मैं मिलता हूँ ट्यूशन के बाद, और ट्यूशन से पढ़ के चला। तो गाइस ट्यूशन से आ चुके हैं। तो आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे बैडमिंटन खेलते, तो बैडमिंटन वाले तो कोई नहीं आ रखे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि उधर साइड मधुबन एन्क्लेव है, तो इधर मधुबन एन्क्लेव के लेन 2 है, इतने पास। तो यहाँ पे भी लोग फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ पे ऊपर साइड थोड़ा ग्राउंड है, हम तो इधर खेलते हैं। तो अभी जो इन जिन जिनको आना था वो तो अभी तक कोई आया ही नहीं, 5 बज के कोई आ ही नहीं रखा। तो अभी देखते हैं। तो आपको अभी पहले मैं दिखा देता हूँ कैसा है कोर्ट। तो कोर्ट ऐसा है, यहाँ से इतनी लाइन बनी हुई, यहाँ तक इतनी है, पूरी गूगल में देख के बना रखी सब ने। एक पोल यहाँ है, एक पोल ये रहा, हर जगह एक एक पोल है। तो अभी जब वो अभी यहीं पे अभी आएगी वो थोड़ी देर में, तो जब अब तो क्या ही दिखाऊँ मैं, जब वो आएंगे तब वो बैडमिंटन खेलते रहेंगे, तब ब्लॉग क्या बनाना। तो मैं ट्यूशन और सब कुछ करके आ चुका हूँ। तो गाइस मैं जा ही रहा था बैडमिंटन देखने कि कोई आ रखा है, तो अभी जस्ट वहीं जा रहा हूँ। तो जितने भी मेहमान आ रखे थे सब तो चले गए, तो अभी जितने भी दोस्त आएंगे उनको दिखाएंगे। अब तो कोई नहीं आया, क्या पता आज कोई आए ना, पर आना तो चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड के पास, तो यही ग्राउंड शॉर्टकट लेते हैं। तो देखो गाइस रास्ता कैसा है, ऐसा भयंकर रास्ता है गाइस, भयंकर। गाइस हम जा रहे हैं, तो गाइस दोस्ती की है, चलो दोस्ती पास चलते हैं, दोस्ती की है। तो दोस्त के पास पहुंच के मिलते हैं, चलो। दोस्तों के पास पहुंच चुका हूं, तो आप थोड़ा सा एक कंटेंट मिल गया। यहां पर कुत्ता मर चुका है, तो ये रहा कुत्ता। अरे गाइस ये पालतू कुत्ता था, ये मेरे दोस्त का कुत्ता है, देखो गाइस खत्म। ये
एकदम जवान थी, पता नहीं कैसे मर गई लड़की थी गाइस। तो अभी मेरे साथ वो दीदी है, मेरा उधर। तो गाइस कुत्ता मर गया भाई, और जिसका ये कुत्ता है ना वो हमारा दोस्त हो रहा है गाइस, वो तो अपने घर चले गए रोते रोते। तो एक ये है मेरा दोस्त, ये बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है। हाँ पूरी टक्कर देता है इसे, पूरी टक्कर देता है गाइस। तो अभी हम बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, तो जब बैडमिंटन खेल लेंगे तब मिलते हैं आपसे, तब के लिए बाय। हम घर आ चुके हैं, तो बैडमिंटन वाले तो खेल ही रहे, उनका वो डॉगी मर गया, तो जिनके नेट है वो लाई नहीं रहे, वो कह रहे कि मूड ऑफ हो गया। तो हम घर आएंगे, तो अब आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरा मूड भी ऑफ हो गया, वो 8 साल से थी उनके पास। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।